विवेक कोरडे जी आपके पास आ रहे हैं। विवेक जी, आप लोग कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सरकार ये कह रही है कि आरोपियों को तो हमने तुरंत में गिरफ्तार भी कर लिया है। देखिए, बाबा सिद्दीकी कोई मामूली आदमी नहीं, वो 3 बार विधायक रह चुके हैं, उनका बेटा भी विधायक है, उनको खून की धमकी आई थी, उनको पहले भी पुलिस का प्रोटेक्शन था और धमकी आने के बाद वाई दर्जा का प्रोटेक्शन दिया गया। इसके बावजूद भी उनकी हत्या होती है और उस हत्या की जिम्मेदारी लेने के लिए भी लोग आगे आते हैं। इसका मतलब ये है कि एक तो स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से कोलैप्स हो गई है, और अगर नहीं हो गई है तो ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। या तो ये मान्य करो कि उसकी हत्या एक गैंग ने की गई है, नहीं तो पुलिस प्रोटेक्शन होके ऐसी हत्या हो कैसे? ये इसमें का अहम सवाल है। और ये पहली बार नहीं हुआ है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पुलिस स्टेशन के अंदर 2 लोक प्रतिनिधियों ने गोली चलाई है पुलिस स्टेशन में। बदलापुर की घटना हम लेंगे तो उसमें जो दूसरे आरोपी थे, वो आरोपी 1 महीना तक पुलिस को उनकी कोई ये पहचान नहीं हो रही थी, वो कहां छुपे हैं मालूम नहीं हो रहा था। जब उन्होंने न्यायालय में जो अर्जी की थी वो खारिज की गई, तब पुलिस को उसका पता चला। इसका मतलब ये है कि यहाँ के जो गुनाहगार है उसको पुलिस का संरक्षण है। ये टोटल लॉ एंड ऑर्डर का कोलैप्स है, इसका जिम्मेदारी महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने लेनी चाहिए। और उनके इसमें थोड़ी भी नैतिकता शिल्लक है और थोड़ी भी शर्म उनको है तो उन्होंने तुरंत अपना इस्तीफा देना चाहिए। और अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो मुख्यमंत्री ने उनका इस्तीफा लेना चाहिए, नहीं तो हम ये समझेंगे कि दोनों एक दूसरे को मिले। ठीक है।